नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त प्रियंका। दिल्ली सरकार लगाएगी अब प्राइवेट अस्पतालों के महंगे इलाज पर लगाम। महंगे इलाज पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने 9 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जो बताएगी कि इनकी मनमानियों पर कैसे लगाम लगाई जाए। इससे प्राइवेट अस्पतालों द्वारा दवाइयों, जांच, कंज्यूमेबल आइटम व अन्य सामान पर अपनी मनमानी से वसूले जाने वाली कीमतों पर लगाम लगाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल वाले दवाइयों व कंज्यूमेबल आइटम पर 500 से लेकर 1000% तक अधिक पैसा कमा रहे हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। कमेटी की सिफारिश के आधार पर सरकार दरें तय करेगी। उनका कहना है कि अस्पताल वाले भविष्य में 2-3% से ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट दवाओं से होने वाले मुनाफे की हद को सीमित करने और चिकित्सा जांच और प्रोटोकॉल से जुड़े होंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक कमेटी का नेतृत्व करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कमेटी में दिल्ली चिकित्सा परिषद और दिल्ली चिकित्सा संघ के वरिष्ठ डॉक्टर और भारतीय चिकित्सा संघ के अध्यक्ष शामिल होंगे। सूत्र बताते हैं कि सरकार कमेटी की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दिल्ली हेल्थ एक्ट लाने की भी तैयारी की जा रही है। अस्पतालों को रास्ते पर लाने के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर दिल्ली सरकार कड़े प्रावधान वाला कानून लाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चाहे वह शालीमार बाग में स्थित मैक्स अस्पताल की लापरवाही की घटना हो या गुरुग्राम फोर्टिस अस्पताल की, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि प्राइवेट अस्पताल दवाइयों कंज्यूमेबल आइटम्स पर 1000% से अधिक मुनाफा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास शिकायतें आई हैं कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल 200 रुपए का इंजेक्शन 1000 रुपए में दे रहा है और जिस हैंड क्लब की कीमत 10 रुपए है उसे 50 रुपए में दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल वाले सारी चीजें बाहर से लेते हैं, फिर भी MRP कई गुना बढ़ाकर चीजें बेची जा रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार ने जरूरी 466 दवाइयों को रेट के साथ सूची जारी की है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल वाले मुनाफा कमाने के लिए इन दवाइयों को सूची में नहीं लिखते हैं। उन्होंने कहा कि मरीज को इलाज के 4 लाख रुपए बताकर अस्पताल में भर्ती कर लेते हैं और बाद में इलाज का खर्चा 10-12 लाख तक पहुंच जाता है। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट। ऐसी ही और खबरें पाने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप पा सकें हमारी हर खबर और हर वीडियो सबसे पहले।